नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं पाविका फ्लिट से इस चैनल को एक बार फिर से। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही सॉरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। दिस इज योर फ्लूइड मशीनरी का ही एक टॉपिक है, जो है टॉपिक हमारा दिस इज द सेंट्रिफ्यूगल पंप। और उसमें जो है आज हम देखने वाले हैं मेन पार्ट्स ऑफ अ सेंट्रिफ्यूगल पंप, की कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आपसे बहुत बड़ी ऐसी रिक्वेस्ट सॉरी कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कर मधुलिका तक मैं ऐसी एजुकेशन वीडियोस आपके लिए हमेशा हर पल लेके आता रहूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। दिस इज द सेंट्रिफ्यूगल पंप के जो पार्ट्स होते हैं वो आज हम देखने वाले हैं, ठीक है। वैसे थोड़ी सी बात करना चाहूंगा कि देखिए नॉर्मली आजकल सबके घरों में जो पानी पहुंचता है वो पहुंच नहीं पाता है, क्योंकि जो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की पाइपलाइंस होती हैं, ठीक है, उसमें आइदर इतना प्रेशर होता ही नहीं है कि ऑटोमेटिकली वो पानी आपके छत की जो घर की छत है यानी कि रूफ है वहां तक पहुंच के पानी ऑटोमेटिकली कुछ पर्टिकुलर प्रेशर से चले जाए, ठीक है। तो नॉर्मली क्या करते हैं लोग, घरों में पंप लगाते हैं और वो पंप ज्यादातर क्या 100% वो सेंट्रिफ्यूगल पंप ही होता है। तो आप ही के घरों में वो पंप है, तो आज हम उसी पंप के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्लूइड मशीनरी का, दिस इज द सेंट्रिफ्यूगल पंप। अगर जनरल वे में देखिए ये आपको थोड़ा बुकों का हिसाब से, ये जैसे बुक में आपका एक फिगर होता है यानी कि इमेज होती है सेंट्रिफ्यूगल पंप की, कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अगर आप घर पे भी अपने सेंट्रिफ्यूगल पंप को देखेंगे तो काफी कुछ क्लियर दिखेगा आपको, ठीक है। एक सिंबल बनाता हूं जो ज्यादातर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। ये सबसे सस्ता किफायती पंप रहता है, बहुत सस्ता रहता है, और काफी जगह फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अगर आप देखेंगे, पाइपलाइंस यानी कि केमिकल इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा यूज होता है। मॉल्स में चले जाइए, वहां पे आपको सेंट्रिफ्यूगल पंप मिलेगा, इसका एप्लीकेशन सबसे ज्यादा है, ठीक है। इसका सिंबल बनाता हूं, देखिए सिंबल आपको ऐसे दिखेगा। सपोज ये हो गया हमारा पंप, तो ये हो गया ऐसे, ये हो गई हमारी डिलीवरी लाइन जो ऊपर जा रही है, और सेंटर से निकलती है हमारी कौन सी सक्शन लाइन, क्लियर हो गया। तो ये एक सिंबल है, देखिए ये जो ऊपर जा रही है ये पाइपलाइन है, जो बीच से निकल रही है ये भी एक पाइपलाइन। काम करता हूं मैं इतने यहां से नहीं निकालता, मैं बस थोड़ा सा खींच लेता हूं, ओके। और ये हमारा रिजर्वायर जहां से फ्लूइड जा रहा है। तो ये जो सिंबल होता है ये हमारा सेंट्रिफ्यूगल पंप का होता है। एक और पंप होता है रेसिप्रोकेटिंग पंप, ठीक है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा, वो हाई प्रेशर पंप होता है, कॉन्स्टेंट फ्लो रेट के लिए यूज किया जाता है, ओके। इसमें हेड भी वेरी होता है और फ्लो रेट भी वेरी होता है, समझ रहे हैं, इसमें दोनों चीजें, यानी कि आप ये इतना वर्सेटाइल होता है कि इस पंप को आप कांस्टेंट प्रेशर पंप भी बना सकते हैं, ठीक है, फ्लो रेट भी इसका चेंज करवाया जा सकता है। तो आज हम सिंपली हम बात करने वाले हैं सेंट्रिफ्यूगल पंप के बारे में। तो देखिए ये है हमारा रिजर्वायर, ये जो मैंने बनाया ना यहां पे रिजर्वायर, ये है हमारा रिजर्वायर, ये सबसे वर्सेटाइल पंप है, सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज में इसी का यूज है, ठीक है। ये ऐसे भी लिक्विड्स हैंडल कर लेता है जिसमें कुछ सॉलिड हो। तो इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं जल्दी से देखते हैं हम, ठीक है। ये हमारा रिजर्वायर जिसको सम्प नाम दिया, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं क्या क्या, फिर एक एक करके बताता हूं। सम्प को रिजर्वायर भी बोलते हैं, जिसमें से इस पंप ने यानी कि लिक्विड उठाना है। अभी लिक्विड केमिकल भी हो सकता है, कोई भी केमिकल हो सकता है, एसीटोन हो सकता है, केमिकल इंडस्ट्री में जाएंगे फार्मा में तो आपको केमिकल्स अलग अलग नाम सुनने को मिलेंगे। फिलहाल हम पानी मानते हैं, समोस इसमें क्या है, पानी, वॉटर, ओके। अब देखिए इस पंप में क्या क्या पार्ट है, सबसे पहले आप देखिए कि ये जो एक नीचे से लाइन आ रही है, ठीक है, ये जो लाइन आ रही है ये है हमारी सक्शन लाइन, कौन सी है, यहां पे लिखा हुआ सक्शन पाइप। सॉरी थोड़ा सा आवाज का प्रॉब्लम है, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। और ये जो ग्रीन कलर में उठ रहा है ये है हमारा फ्लूइड, यानी कि फिलहाल हमने पानी कंसिडर किया हुआ, ठीक है। ये हमारी सक्शन लाइन जहां से फ्लूइड एंटर होता है अंदर, मगर इससे पहले कि एंटर हो यहां पे कुछ चीजें लगी हुई है, देखिए यहां पे मैंने शेड किया हुआ है, यहां पे एक फुटवॉल होता है, क्या होता है, फुटवॉल, ये फुटबॉल खेलने वाला नहीं होता, फुटवॉल होता है, ठीक है। अब फुटवॉल क्या होता है कि ये एक वॉल्व होता है जो एक ही डायरेक्शन में खुलता है, ठीक है। जैसे ही हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी का जो स्विच है ऑन कर देते हैं तो क्या हुआ, क्या होता है कि शाफ्ट घूमता है मोटर का शाफ्ट कनेक्टेड रहता है इस इंपेलर से। ये जो बीच में आप देख रहे हैं, बीच में रेड कलर है और ये पूरा ये जो प्लेट दिख रही है इसको क्या नाम दिया गया है, इंपेलर, इसको नाम दिया गया इंपेलर। ये इंपेलर घूमता है, इंपेलर घूमने की वजह से इस सक्शन लाइन में ये जो देखिए ये जो लाइन ऊपर जा रही है ना ये, और समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं, और फिर आगे मैंने ये जो पाइपलाइन है डॉटेड वे में बनाई है, कहने का मतलब ये जो पाइपलाइन है ये पंप को ओवरलैप हो गई है, पंप के ऊपर आ गई है, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। तो
पंप के ऊपर या फिर देखिए इंपेलर इस साइड सामने दिख रहा है, देखिए मैं आपको काफी इजीली बताऊंगा। देखिए सपोज ये है हमारा पंप, तो पाइपलाइन ऐसी है, पाइपलाइन कैसी है हमारी, पाइपलाइन कुछ ऐसी दिखेगी। पाइपलाइन हमेशा इस इंपेलर से 90 डिग्री पे होती है और फिर ये ऐसे जाती है और नीचे आती है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? ये जो हमारा इंपेलर है, इंपेलर को 90 डिग्री आपकी पाइपलाइन है, तो यहां पर सामने के सामने सपोज ये है मेरा रिजर्वायर, तो ये रिजर्वायर है तो मैंने इससे कनेक्ट कर दिया। क्लियर हो गया होगा? आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, फिलहाल यहां पर जो पाइपलाइन है, देखिए ये है पाइपलाइन, फिर एक ठीक है ये डस्टर भी पाइपलाइन ही समझ लीजिए, ये भी पाइपलाइन है। ओके, ये 90 डिग्री पे बना दिया, अब पाइपलाइन नीचे की तरफ जा रही है, तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, इसीलिए आपको ये ओवरलैपिंग दिख रही है कि ये पाइपलाइन जा रही है ओके और फिर यहां पे डॉटेड वे में हो गया है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये। ओके, तो हम बात कर रहे थे फुटवॉल की। फुटवॉल क्या होता है कि जैसे ही ये पंप स्टार्ट हुआ, कहने का मतलब हमने इलेक्ट्रिसिटी का बटन ऑन किया, इंपेलर घूमना स्टार्ट कर दिया, तो ये जो सक्शन लाइन है इसमें वैक्यूम प्रोड्यूस होता है, यानी कि लो प्रेशर जोन प्रोड्यूस हो जाता है, यानी कि लो प्रेशर ही एक्चुअली में प्रोड्यूस होता है। इस लो प्रेशर की वजह से ठीक है, अब हमारा जो ये लिक्विड है इस पाइपलाइन के अंदर तो लो प्रेशर है, मगर ये जो हमारा लिक्विड है ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से सब्जेक्टेड है, तो इसके ऊपर हाई प्रेशर पड़ता है, तो फ्लूइड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ट्रैवल करता है सक्शन लाइन में। तो ठीक है, ऑटोमेटिकली तो ये प्रेशर ऑटोमेटिकली धक्का देगा तभी फ्लूइड हमारा एंटर होगा अंदर। क्लियर हो गया? मगर इससे पहले कि वो एंटर हो तो दो चीजों से उसे गुजरना पड़ता है। एक हो गया हमारा फुटवॉल, क्या होता है फुटवॉल, ये फुटवॉल क्या होता है, एक तरह का वॉल होता है जो एक ही साइड में खुलता है। ठीक है, देखिए यहां पर है हाई प्रेशर, नीचे की साइड हाई प्रेशर है पानी का, ओके अंदर की साइड लो प्रेशर है, तो ये प्रेशर डिफरेंस का यूज करके खुल जाता है। क्लियर हो गया? तो पानी अंदर एंटर हो जाता है। क्लियर हो गया? ओके, अब दूसरी चीज एक लगी हुई है स्ट्रेनर। बहुत सारे स्ट्रेनर आते हैं, अगर आप इंडस्ट्री में देखेंगे तो पाइपलाइंस में आपको ये देखिए, सपोज ये है पाइपलाइन हमारी, ठीक है, तो आपको कुछ इस टाइप का स्ट्रेनर दिखेगा, एक वाई टाइप का स्ट्रेनर दिखेगा। क्या दिखेगा? वाई टाइप का स्ट्रेनर दिखता है। अब स्ट्रेनर का क्या काम है कि जैसे देखिए पाइपलाइन थोड़ी बड़ी करूंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा। स्ट्रेनर एक टाइप की छननी है, फिल्टर है। ठीक है, कि अगर पानी में कुछ ऐसा कुछ अटक, मतलब कुछ ऐसा डस्ट पार्टिकल्स या फिर कुछ चीजें आ जाती हैं, तो ऑटोमेटिकली वो इस फिल्टर से पास होती हैं, तो उस वहां पर जाके अटक जाती है, ताकि वो पंप को कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। क्लियर हो गया? देखिए ये हमारी पाइपलाइन, ओके पाइपलाइन थोड़ी ऐसे दिखेगी। क्लियर हो गया? ये लगा हुआ है स्ट्रेनर, तो ये जो फ्लूइड है ये पहले एंटर होता है और इसके एक जाली लगी होती है यहां पर, समझ रहे? यहां पर एक जाली लगी हुई है, फिल्टर लगा हुआ है। ठीक है, तो फ्लूइड इसके थ्रू पास होता है, मतलब ऐसे जाता है, ये बंद रहता है, एक सेक्शन थोड़ा सा बंद रहता है, फ्लूइड आपका ऐसे जाके फिर ऐसे जाता है और फाइनली इस फिल्टर से पास होता है और फाइनली यहां पे निकल जाता है। तो वाई टाइप स्ट्रेनर होता है, अलग अलग टाइप के स्ट्रेनर होते हैं, उसमें से एक बता रहा हूं। तो स्ट्रेनर क्या होता है, स्ट्रेनर के अंदर एक फिल्टर होता है, फिल्टर से फ्लूइड गुजरता है, तो अगर कुछ सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं तो वो वहां पर जाके बैठ जाते हैं, ताकि वो पंप को या इंपेलर को कुछ भी प्रॉब्लम ना क्रिएट करें। हो गया? क्लियर? चलिए, तो अब दूसरी चीज क्या है, देखिए तो ये हो गई हमारी सक्शन पाइपलाइन। ठीक है, ये वाली साइड जब फ्लूइड अंदर एंटर हो जाता है, घूम कर बाहर निकलता है, ये हो गई हमारी डिलीवरी वॉल्व। अगर हम इस वॉल्व को खोलेंगे तो ही तो फ्लूइड ऊपर जाएगा और फाइनली ये बहुत हाइट तक ऊपर जाता है, तो इसी वजह से ये डिलीवरी पाइपलाइन है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया? ओके ओके, अब जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं मेन, उसे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो बीच का प्लेट है, ठीक है, ये घूमता है, इसको बोलेंगे हम इंपेलर। अभी ये जो इंपेलर है, तो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने यहां पे लिखा भी हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट इंपेलर। इंपेलर क्या होता है, वो एक प्लेट होती है, देखिए यहां पे ध्यान से देखिएगा, ये एक सर्कुलर प्लेट होती है। ओके, अब इसका जो मेन, ये जो मैं छोटा सा सर्कल बना रहा हूं ना, ये इंपेलर की आंख होती है, इसलिए मैंने लिखा हुआ आई ऑफ इंपेलर, ये जो जहां पे मैंने रेड बताया हुआ ये वाला। ठीक है, ओके समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? देखिए इसी चीज को मैं ऐसे भी बना सकता हूं, इसे ध्यान से देखिएगा, ये हमारा आई ऑफ इंपेलर। अब ये एक सर्कुलर प्लेट, अब ये डिपेंड करता है कि आपको जो सेंट्रीफ्यूगल पंप चाहिए वो कौन सी एप्लीकेशन के लिए चाहिए, क्या आपको केमिकल ट्रांसफर करना है, कोई एसिड ट्रांसफर करना है या पानी ट्रांसफर करना है। तो ये किससे बनी हो सकती है, ये स्टेनलेस स्टील से भी बनी हो सकती है, ये कास्ट आयरन से भी बनी हो सकती है,
लोग हमेशा सेंट्रीफ्यूगल पंप को सस्ता बनाने की कोशिश करते हैं, प्लास्टिक की भी हो सकती है, देन अगर कोई केमिकल ऐसा है जो कोरोजिव है, ठीक है, तो फिर ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, मतलब ये जो है आपका इंपेलर का जो मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, यानी कि जिसे वो बना होता है, वो एज पर जो कस्टमर की डिमांड होती है उसी हिसाब से बनाया जाता है, समझ रहे हैं। अब ये हो गई एक प्लेट, उसके ऊपर एक क्या बोलते हैं, एक कर्व्ड वेन्स बनाई जाती है, क्या होती है, देखिए कर्व्ड वेन्स जो पीछे आ रही है, बैकवर्ड कर्व्ड वेन्स बनाई जाती हैं, समझ रहे हैं। तो आप देखेंगे कि इंपेलर की एक सर्कुलर प्लेट होती है और उसके ऊपर कुछ वेन्स बनाई जाती हैं, वो भी कुछ कर्व्ड वेन्स बनाई जाती हैं, समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो ये एक मेटल की प्लेट होती है जिसके ऊपर बैकवर्ड पीछे जाती हुई कर्व्ड वेन्स बनाई जाती हैं, और ये देखिए, और इसका जो कनेक्शन होता है, मैं दूसरे कलर से आपको बताता हूं, ये बीच वाली जो आई है ना, इसका कनेक्शन जो होता है आपकी सक्शन पाइप का होता है। देखिए मैं इधर बनाता हूं अभी, तो ये देखिए ये हो गया, ये हमारी पाइप हो गई और ये हो गया। अब आई होप आपको यहां पर क्लियर हो गया होगा। तो पानी सबसे पहले कहां पे एंटर करता है, ये सेंटर पे एंटर करता है, कहां पे एंटर करता है, आपके सेंटर पे एंटर करता है। लेट मी चेक एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, या ठीक है। तो हम थोड़ा सा ब्रीफ लेंगे इसका, ठीक है। तो इंपेलर क्या होता है, इंपेलर एक टाइप की प्लेट होती है जिसके ऊपर कर्व्ड वेन्स अरेंज रहती हैं, क्लियर हो गया। और फ्लूइड जो एंटर होता है वो सबसे पहले एकदम सेंटर पे जाता है, इतने सर्कल पे जाता है, कितने सर्कल पे जाता है, दैट इज वो इतने ही सर्कल पे जाता है इधर, ठीक है, और इसी से पाइप कनेक्टेड होती है। तो ये होता है हमारा इंपेलर। ये वैसे तो ये पूरे को इंपेलर बोलते हैं, तो पानी जो है वो सक्शन पाइप के थ्रू आपकी इंपेलर की आंख पे जाता है, क्लियर हो गया, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और इस ये जो है, ठीक है, अब देखिए अगर ये इंपेलर घूम रहा है, इंपेलर घूम रहा है, तो डेफिनेटली ये वाला जो छोटा सा पार्ट है, यानी कि पूरा का पूरा इंपेलर, ये आपके शाफ्ट से कनेक्टेड होता है। तो इसके पीछे अगर आप देखेंगे ना, ये वाला, ये साइड पे इस प्लेट के जस्ट पीछे, और वो कैसे दिखाऊं क्योंकि वो पीछे आएगा, तो मैं एक दूसरे कलर से बताऊंगा आपको। तो पीछे की साइड ये जो होता है, ये एक शाफ्ट से कनेक्टेड होता है, और शाफ्ट किससे कनेक्टेड होता है, मोटर से, क्लियर हो गया, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो दैट वाज आई ऑफ द इंपेलर एंड इंपेलर, ओके। अब देखिएगा, मैंने जो जो पानी है मैंने हरे कलर से बनाया हुआ है, ठीक है, ओके। तो फ्लूइड जब एकदम सेंटर में पहुंच जाता है, तो देखिए फिर वो इस कर्व्ड वेन के जस्ट बीच से, यहां से, यहां से आप देख रहे हैं, ये कर्व वेन से बाहर निकलने की कोशिश करता है, क्योंकि बहुत हाई स्पीड से रिवॉल्यूशन ले रहा है, यानी कि बहुत हाई स्पीड से घूम रहा है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज करके पानी बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करता है, क्लियर हो गया। तो इंपेलर एक तरह का गाइड ही करते हैं आपके पानी को बाहर निकलने के लिए, यानी कि फ्लूइड यहां से बाहर निकलता है। देखिए ये जो प्लेट्स है ना, ये जो प्लेट्स है, यानी कि ये जो कर्व वेन्स है, ठीक है, एक तरह की स्टेशनरी वेन्स होती है प्लेट पे, और इसी से बना होता है इंपेलर, ठीक है। तो यहां से फ्लूइड बाहर निकलने की कोशिश करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज करके, यानी कि फ्लूइड को बहुत हाई स्पीड से घुमाया जाता है, क्लियर हो गया, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो फिर वो बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, केसिंग के बारे में। अब केसिंग क्या होता है, देखिए इंपेलर, इंपेलर को हम खुला तो नहीं रख सकते, इंपेलर को ढकने के लिए कोई तो बॉडी चाहिए ना, यानी कि एक तरह का ढक्कन जो इंपेलर को पूरी तरह से कवर कर ले। अब ये जो केसिंग है, जो हमारी रिएक्शन टरबाइन है ना, जैसे टरबाइन थी हमारी, आपको मालूम होगा ये है हमारी टरबाइन, ठीक है, पाइपलाइन में लगी हुई है, ये लगी हुई है, मगर उसको ढकने के लिए कोई डब्बा चाहिए ना, ताकि कुछ भी प्रॉब्लम ना हो और फ्लूइड यहां पर आए, यहां पर आए, यहां पर आए और फिर बाहर निकल जाए। तो वैसे ही एक इंपेलर को भी ढकने के लिए केसिंग की जरूरत होती है। अब केसिंग जो होती है हमारे पास कितने प्रकार की होती है, पहली होती है हमारी वॉल्यूट केसिंग, फिलहाल जो यहां पर बनी हुई है केसिंग, यानी कि समझ रहे मैं क्या बोल, ये एक तरह की आउटर कवरिंग होती है हमारे इंपेलर की, जो इसको बचा के रखती है, एयर टाइट कंटेनर बना के रखती है, क्लियर हो गया। जिसके अंदर से देखिए, अगर फ्लूइड बाहर निकलेगा तो वो जाएगा कहां पर, वो इधर ही जाएगा ना, ठीक है, वो केसिंग से ही गुजरेगा। ये जो केसिंग है, ये केसिंग है हमारी वॉल्यूट केसिंग। कौन सी केसिंग, वॉल्यूट केसिंग। केसिंग भी तीन टाइप की होती है, वॉल्यूट, दूसरा हो गया वॉर्टेक्स केसिंग, तीसरा हो गया केसिंग विद गाइड ब्लेड्स, केसिंग विद गाइड ब्लेड्स, केसिंग विद गाइड, GUIDE ब्लेड्स, क्लियर हो गया, ओके, ध्यान से देखिएगा। तो अब हम बात करें, ये हो गया हमारा, अब केसिंग के बारे में बात करते हैं। तो केसिंग क्या है, ये एक तरह का आउटर कवर है, क्लियर हो गया,
ये एक तरह का आउटर कवर है जो इंपेलर को ढका हुआ है, एक तरह की आउटर कवरिंग है। ओके, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही फ्लूइड आपके इस इंपेलर के जस्ट आउटसाइड पे आता है, कहां पे आता है देखिए, अब एक काम करता हूं, यहां पे वापस बनाता हूं, ठीक है। ये हो गया हमारा इंपेलर, ये होगी उसकी आंख, ये क्लियर हो गया। अब जैसे ही फ्लूइड यहां पर आता है, ये इधर, मतलब फ्लूइड चल के इधर आया, देखिए दूसरे कलर से बताऊंगा तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। फ्लूइड सेंटर से निकलता हुआ यहां पर पहुंचता है और बाहर निकलता है, ठीक है, सेंटर से निकलता हुआ और यहां पर पहुंचता है। तो जैसे ही वो एकदम यहां पर पहुंचता है, मतलब चल के, ठीक है, ओके, तो यहां पर जो भी पानी की काइनेटिक एनर्जी होती है वो कन्वर्ट कर दी जाती है आपकी प्रेशर एनर्जी में। क्लियर हो गया। इससे पहले कि फ्लूइड डिलीवरी पाइप तक पहुंचे, ये सारा का सारा जो काम होता है इसी केसिंग में कर दिया जाता है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और ये जो टाइप की केसिंग है, देखिए ये कोई जो केसिंग है ना, ये अंडानुमा आकार है, अंडानुमा आकार यानी कि स्पाइरल केसिंग है, स्पाइरल केसिंग है, समझ रहे हैं, लगभग कुछ ऐसी केसिंग है। अगर आप देखेंगे ना, ये कोई सर्कल, ये देखो ऐसे टाइप, ये तो एक अंडा टाइप दिख रहा है, तो ये जो केसिंग है ये एक स्पाइरल केसिंग है और इसी स्पाइरल केसिंग को बोलते हैं वॉल्यूट केसिंग। अब जैसे ही फ्लूइड आपके केसिंग में आता है तो लगभग इसका प्रेशर बढ़ जाता है, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम कन्वर्ट हो जाती है आपकी प्रेशर एनर्जी में। और ये कहां पे होता है, जैसे ही वो जस्ट इंपेलर को छोड़ने वाली होती है, ठीक है, और समझ रहे हैं, और इससे पहले कि वो डिलीवरी पाइप में पहुंचे, ये सारी चीजें इसी केसिंग में हो जाती हैं। तो प्रेशर एनर्जी, तो कहने का मतलब क्या है, सक्शन लाइन में प्रेशर कम था, आप देखेंगे डिलीवरी लाइन में प्रेशर ज्यादा हो जाता, तो प्रेशर किसने दिया, ये सारा का सारा पंप ने ही दिया है। आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी सारी चीजें। और आप ये भी देखें कि ये जो फ्लूइड है जैसे यहां पर निकलता है, आप देख रहे हैं ये जो एरिया है केसिंग का, ये देख रहे हैं ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये देखिए इधर वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये जो एरिया दिख रही है, ये एरिया लगातार बढ़ता जा रहा है। तो कहने का मतलब है, अगर फ्लूइड को एरिया ज्यादा मिले बहने के लिए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, और कम हो जाती है दैट मीन्स प्रेशर एनर्जी बढ़ती है। तो इससे पहले कि वो फाइनली डिलीवरी वॉल तक पहुंच जाए, यहां पर आपकी जो काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो जाता है और वो मैक्सिमम कन्वर्ट हो जाता है आपकी प्रेशर एनर्जी में, और फाइनली प्रेशराइज्ड लिक्विड आपका डिलीवरी लाइन से बाहर निकल जाता है और जहां पे पहुंचना है उसे पहुंचा देता है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। वैसे ये तो वॉल्यूट केसिंग है, और इस दौरान जो होता है, देखिए केसिंग प्रोवाइड ही इसलिए, इस तरह की केसिंग का डिजाइन किया ही इसलिए जाता है ताकि आपकी एफिशिएंसी बढ़े पंप की। क्लियर हो गया ये, ओके। थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बता देता हूं, वॉर्टेक्स केसिंग जो होती है। अब ये है हमारी केसिंग जो आउटर कवर है, और ये है इंपेलर। तो केसिंग और इंपेलर के बीच में एक तरह का चैम्बर बना दिया जाता है, चैम्बर बना दिया जाता है, ठीक है। इस चैम्बर की वजह से जो भी एनर्जी का लॉस होता है वो काफी हद तक रिड्यूस कर दिया जाता है, और ये लॉस किस वजह से होता है, एनर्जी का एडीज बनने की वजह से। क्लियर हो गया ये, ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और इस दौरान आपकी जो एफिशिएंसी है पंप की और बढ़ जाती है। तो ये इस तरह का जो चैम्बर होता है, मतलब देखिए ऐसा कुछ होता है, मैं शॉर्ट में दिखा देता हूं आपको। ये हो गया छोटा सा हमारा इंपेलर, ठीक है, ओके, ठीक है, ये हो गई हमारी केसिंग। केसिंग लगभग इसी तरह की होती है जैसा अभी बताइए, ठीक है। तो एक छोटा सा एक चैम्बर बना दिया जाता है, ये जो डॉटर वे में बना रहा हूं मैं, इस तरह का चैम्बर बना दिया जाता है, और इसको बोलते हैं वॉर्टेक्स चैम्बर। क्या बोलते हैं, वॉर्टेक्स चैम्बर, ठीक है। तो इस तरह का केसिंग रहता है, और इसकी वजह से, ऐसा करने की वजह से जब फ्लूइड निकलता है तो इस दौरान जो लॉसेस होते हैं काफी कम होते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ओके। अब तीसरी बात करेंगे, केसिंग विद गाइड ब्लेड्स। इसमें क्या होता है, इसमें स्पाइरल केसिंग नहीं होती है। ये मैंने इंपेलर बनाया, देखिए ये इंपेलर बन गया, ठीक है, इसे ध्यान से देखिएगा, इंपेलर बन गया हमारा, ये देखिए ध्यान से, ओके। अब इंपेलर तो घूमेगा, मगर इस इंपेलर में से जब फ्लूइड बाहर निकलता है, क्लियर हो गया, जब फ्लूइड बाहर निकलता है तो एक और एक स्टेशनरी गाइड वेन्स होते हैं। क्या होते हैं, स्टेशनरी गाइड वेन्स होते हैं। ये वाला जो सर्कुलर प्लेट है ना, एक काम करता हूं मैं आपको, है ना, अलग कलर से बताऊंगा तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा छोटा सा प्लेट, ठीक है, और मैं एक दूसरे कलर से बताता हूं आपको। तो इसके ऊपर एक और चीज देखिए, इसके अंदर से तो हमारा क्या निकल रहा है, फ्लूइड निकल रहा है, ठीक है, ये देखिए ध्यान से, ओके। अब जो मैं बनाने वाला हूं वो दूसरे कलर से बनाऊंगा तो ज्यादा एफिशिएंट लगेगा। तो
ये एक और प्लेट होती है, सर्कुलर प्लेट होती है, ठीक है, ये प्लेट होती है, इसमें भी गाइड वेन्स लगी होते हैं, क्या लगे होते हैं, गाइड वेन्स लगी होती हैं, तो ये फ्लूइड को और अच्छे से गाइड करता है, आपकी जो लॉसेस होते हैं एनर्जी में और कम हो जाती है, एडीज का फॉर्मेशन और कम हो जाता है, और बहुत अच्छे से जो फ्लूइड है हमारा, ठीक है, फ्लूइड हमारा किस कलर में था, ब्लू कलर में था, बहुत अच्छे से गाइड होता हुआ बाहर निकलता है, क्लियर हो गया, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई, बहुत अच्छे से गाइड होता है, और यहां पर जो केसिंग होती है वो केसिंग लगभग हमारी सर्कुलर ही होती है, आप देख रहे हैं यहां पर जो केसिंग है हमारी स्पाइरल है, यहां पे केसिंग हमारी सर्कुलर होती है, यानी कि इसका जो सर्कल होता है वो कॉन्सेंट्रिक होता है आपके इंपेलर के सर्कल से, आई होप आपको क्लियर हो गया, तो यहां पे एफिशिएंसी काफी बढ़ जाती है, तो ये तीन टाइप की केसिंग्स होती हैं जो जनरली यूज की जाती है, ठीक है, ओके, तो कल के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा एक्चुअल व्यू ऑफ सेंट्रिफ्यूगल पंप, क्लियर हो गया ये, ओके, तो और दूसरी चीज अब देखिए सक्शन पाइप तो मैंने ऑलरेडी बता दिया था इसमें क्या रहता है सक्शन पाइप में, ठीक है, अब डिलीवरी पाइपलाइन, डिलीवरी पाइपलाइन में एक वॉल जरूर होता है, हाँ कुछ चीजें मैं थोड़ी बहुत सिंपल सी बता दूंगा आपको, अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो जो आपकी सक्शन की लाइन होती है वहां पर एक बड़ा सा वैक्यूम गॉज होता है जो ये बताता है कि सक्शन पाइपलाइन में क्या है, वैक्यूम कितना है, यानी कि प्रेशर कितना है, समझ गए, याद रखिएगा, और यहां पर जो प्रेशर मेजर किया जा रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम ही होता है, अब ये डिपेंड करता है और इसकी रीडिंग अगर आप देखेंगे तो 0 से लेकर 760 mmHg तक इसमें रीडिंग होती है, ठीक है, मगर आउटलाइन में यानी कि डिलीवरी वॉल के ऊपर जस्ट यहां पर मैं एक वो बड़ा सा क्या बोलते हैं काम करता हूं, यहां नहीं लगाता, इस साइड लगा देता हूं, एक बड़ा सा प्रेशर गॉज होता है, ठीक है, जहां पर प्रेशर होता है वो डिपेंड करता है कि एक होता है, देखिए प्रेशर भी आप कैसे मेजर करते हैं, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर प्रेशर मेजर किया जाता है तो दैट विल बी अ गॉज प्रेशर, अगर स्केल, समझ रहे हैं, अगर स्केल आपकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को लेके बनाई गई है तो जो भी प्रेशर आप मेजर करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर दैट विल बी गॉज प्रेशर, क्लियर हो गया, पॉजिटिव गॉज प्रेशर, ठीक है, मगर अगर आपकी स्केल एब्सोल्यूट स्केल की है तो वहां पर फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एज अ बेसलाइन नहीं लिया जाता, एब्सोल्यूट जीरो को बेसलाइन लिया जाता है, मगर जनरली आपको पॉजिटिव गॉज प्रेशर ही, कोई भी इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपको गॉज प्रेशर ही इस्तेमाल में ज्यादातर किया जाता है, तो यहां पर लिखा जाता है ये, यहां पे प्रेशर होता है, यहां पे रीडिंग होती है दिस वन, दो, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, सपोज जो यूनिट है प्रेशर की वो हम बार में यूज करें, पांच, छह बार का प्रेशर है, और यहां पर छह बार गॉज, क्या, सिक्स बार पॉजिटिव गॉज प्रेशर लिखा होगा, आई होप आपको क्लियर हो गया, और जो यूनिट होती है वो गॉज, यानी कि जो यूनिट होती है जिसमें प्रेशर को मेजर किया जाता है वो अंदर लिखा रहता है प्रेशर गॉज के, ओके, अब दूसरी चीज, ये जो हाइट है पंप की सेंट्रल लाइन से लेके पानी तक की हाइट को बोलते हैं HS, HS क्या होता है, हमारा सक्शन हेड, क्या होता है, सक्शन हेड, ओके, दूसरी चीज हम बात करेंगे, अगर पाइप, ये जो पंप है, पंप का सेंट्रल लाइन से लेकर आपकी डिलीवरी लाइन तक जो हाइट होती है उसको बोलते हैं डिलीवरी हेड, HD, डिलीवरी हेड, और दोनों को अगर प्लस कर दे HS प्लस HD तो दोनों को बोलते हैं मिला के स्टैटिक हेड, ये जो कैपिटल एच है ये स्टैटिक हेड को रिप्रेजेंट करता है, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई, अगर आप ऐसी एजुकेशन वीडियो से आते हैं तो प्लीज डू रेडी कमेंट, पूरी कोशिश करूंगा टाइमिंगली वीडियो लेकर आने, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।